कुछ एक्साइटमेंट में लगा के वैसे इसी पे स्टे है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अलग बात है। वो पिटीशन हम लोगों ने एक रिट फाइल किया, उस रिट पे मेरे रिट पे जो हियरिंग हुआ उसमें कोर्ट ने फॉर द टाइम बीइंग फाइन जिसका डेडलाइन 13 मई था उस पे स्टे लगाया है। और जहां आर्गुमेंट्स में बात हुई कि ये बोला गया कि जितने भी आर्गुमेंट्स हमारे लॉयर ने दिया वो वैलिड आर्गुमेंट्स हैं, बट द कोर्ट इन ऑर्डर टू टेक अ जजमेंट आल्सो नीड्स टू लिसन टू द जेएनयू साइड एंड जेएनयू हैज बीन गिवन टाइम फॉर 2 वीक्स टू फाइल एन एफिडेविट। और उसके बाद 30 तारीख को इस पे हियरिंग होगा, और उसके बीच में जो सबसे इमीडिएट पनिशमेंट था विच इज दिस फाइन उस पे स्टे लगाया गया है। तो दैट इज ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ इट ओपन अप द वे फॉर ऑल द रेस्ट हु हैव बीन सिमिलरली फाइंड टू सिमिलरली गेट अ स्टे ऑर्डर, दैट पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नाउ फॉर ऑल द सेवरल स्टूडेंट्स हु हैव बीन फाइंड। साथियों आज की अगर बात करें, आज जो कैंपस में हुआ एकेडमिक काउंसिल में हुआ शुरू सुबह से ही हुआ, बहुत कुछ अनप्रेसिडेंटेड हुआ। वाइस चांसलर चुपचाप से पिछले वाले दरवाजे से अंदर आ जाते हैं, पिछले वाले दरवाजे से ही भाग जाते हैं, लेकिन पिछले 3 महीने की घटनाक्रम को देखें तो आप अनप्रेसिडेंटेड कुछ भी हमें सरप्राइज नहीं करता। अरेस्ट अनप्रेसिडेंटेड था, पुलिस को इस कैंपस में लाना अनप्रेसिडेंटेड था, महिलाओं के हॉस्टल में रेड कराना अनप्रेसिडेंटेड था, और बहुत कुछ इस वाइस चांसलर ने जब से ये कमान संभाली है बहुत सारे अनप्रेसिडेंटेड काम वो कर रहे हैं। और पिछले कुछ महीनों में जो हमारा फाइट बैक भी रहा है वो भी बहुत अनप्रेसिडेंटेड फाइट बैक रहा है, और आने वाले दिनों में इस फाइट बैक को और अनप्रेसिडेंटेड बनाया जाए और बड़ा बनाया जाए हम सबकी जिम्मेदारी है। साथियों मैं एक बात बोलना चाहूंगा, अभी कुछ दिनों पहले जब कन्हैया को बेल मिला उसके बाद अरुण जेटली साहब ने एक बयान दिया था, वो बयान दिया था कि द गवर्नमेंट हैज वन द आइडियोलॉजिकल वॉर अगेंस्ट जेएनयू एंड द स्टूडेंट्स ऑफ जेएनयू। इस बात में एक सच बात भी है और एक झूठ बात भी है। सच बात यह है कि वो एक आइडियोलॉजिकल वॉर है और वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे खिलाफ एक आइडियोलॉजिकल वॉर छेड़ा है। अलग बात जो है कि वो इसको जीत चुके हैं, क्योंकि अगर आइडियोलॉजिकल वॉर ही है तो जेएनयू तो हमेशा आइडियाज को डिबेट करने के लिए जाने जाते हैं। आइए आप आइडियाज को डिबेट कीजिए, ये स्कूल बुली की तरह कि आप अपने जूनियर को जाकर मुक्का मार के बोले मैं बहुत बहादुर हूं और पुलिस और स्टेट मशीनरी को लेकर आए, तो फिर वो आइडियोलॉजिकल वॉर रह नहीं जाती। और आपकी इस आइडियोलॉजिकल वॉर में पहली हार उस दिन हुई थी जब आपने शटडाउन जेएनयू का कैंपेन शुरू किया था। इस आइडियोलॉजिकल वॉर में आपकी दूसरी हार जब शुरू हुई थी जब आपने इस कैंपस में पुलिस को बुलाया था। आइडियोलॉजिकल वॉर की हार उस दिन शुरू हुई थी जब आपने लोगों की गिरफ्तारी शुरू करी थी। आइडियोलॉजिकल वॉर में आपकी हार उस दिन शुरू हुई थी जब आपने एचएलईसी का गठन करके 8 लोगों को सस्पेंड कर दिया था, और आज जो वाइस चांसलर भागे हैं उसी आइडियोलॉजिकल वॉर का एक और मैनिफेस्टेशन है। और इस आइडियोलॉजिकल डिफीट को अगर देखा जाए तो यहां तो अखिल भारतीय दलाल परिषद एबीडीपी है, उसने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि वो भी आइडियोलॉजिकली हार गया है। इसलिए वो डिमांड कर रहे हैं कि इन सब लोगों को टर्मिनेशन से कम पे हम नहीं मानेंगे। वो ये बात जानता है कि जब तक हम इस कैंपस में हैं उनकी दुकान नहीं चल सकती, वो यहाँ अपनी राजनीति नहीं कर सकते, तो इन सबको निकाल दिया जाए, उसके बाद ही हम इस कैंपस में राजनीति कर पाएंगे, इसलिए इन सबको निकाल दिया जाए। और जहां तक उनकी दूसरी डिमांड है, जो दूसरी डिमांड थी अब तो वो भी उन्होंने उठा लिया है हंगर स्ट्राइक, कि सौरभ शर्मा को से फाइन हटाया जाए, तो देखा जाए तो वो डिमांड तो हमारे एजिटेशन में पहले से ही पार्ट है। जब हम एचएलईसी को स्क्रैप करने की बात कर रहे हैं तो हम ये भी बात कर रहे हैं कि सौरभ शर्मा भी फाइन हटा दिया जाए। हम वाइस चांसलर से, हम प्रशासन से अपील नहीं करते कि आइए और प्लीज एबीपी को पनिश कीजिए। हम जानते हैं एबीपी को सड़कों पे इस कैंपस के अंदर किस तरीके से पनिश किया जाएगा, किस तरीके से डिफीट किया जाएगा। इस कैंपस के लोगों ने हमेशा उनको डिफीट किया और आने वाले दिनों में भी डिफीट करेंगे। हम ये डिमांड भी नहीं करते कि बैन एबीपी। बैन कल्चर में आप लोग बिलीव करते हैं कि बैन बी, बैन फलाना, बैन धमका। द पीपल ऑफ दिस गवर्नमेंट डज नॉट नीड टू बैन यू, द पीपल विल ideologically isolate you and will ensure that you there is no existence that is left of you, and if required will throw you in the Arabian Sea. साथियों एक बात और, अगर इस ideological war को ही देखें तो इस ideological war में आज जब हम ये बात कर रहे हैं कि कोई भी punishment नहीं लिया जाएगा, कोई punishment हमारे लिए acceptable नहीं है, कोई bargain, कोई negotiation acceptable नहीं है, वो इसी वजह से है कि you cannot punish people for having a political ideology. And if we accept that punishment, that means admission of guilt, that means we have done wrong. तो 5000, 2000, 1000, 500 की बात नहीं है। हम कोई भी, we have done no crime and there will be no punishment. और जहां तक पिछले कुछ दिनों से वाइस चांसलर की चुप्पी की बात है, और जो आज भी हमको देखने को मिली कुछ नहीं बोले, वहां बोल के भाग गए, जिस तरीके से भागे, मुझे एक इंटरव्यू याद आया, आप लोग में कई लोगों ने देखा होगा, कुछ साल पहले करण थापर ने नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू किया था CNN IBN पे। अगर आप उस इंटरव्यू को देखें, जब उनसे कुछ 4-5 सवाल पूछा गया तो बहुत डिफिकल्ट आंसर करने के लिए बोला दोस्ताना संबंध बना रहे, प्लीज मुझको माफ कर दीजिए, मुझको जाने दीजिए। उसी तरीके से आज वाइस चांसलर भी भागे हैं, और वाइस चांसलर का तो पिछले 14-13 दिन का चुप्पी है। और चुप्पी क्यों ना हो, अब जिनके भक्त हैं वो भी हमेशा चुप रहते हैं, तो उन्हीं के भक्त आए तो वो भी यहां चुप रहेंगे,
कब आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने किसी मुद्दे पे जहां इसका इस देश के लोग संगठित हुए, इस देश के लोगों ने बात उठाया है, चाहे वो एफटीआई की बात हो, चाहे वो ऑक्यूपाई यूजीसी छात्र आंदोलन की बात हो, चाहे वो दादरी का बात हो, चाहे वो रोहित वेमुला का बात हो, कब उन्होंने चुप्पी तोड़ी है? तो इस वाइस चांसलर की जब चुप्पी नहीं टूटती तो हमें इस बात का बहुत सरप्राइज नहीं करता, लेकिन हम उस वाइस चांसलर को बताना चाहते हैं, आप नए नए आए हैं, अभी आए हैं, आपको बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, जेएनयू छात्र आंदोलन क्या है आपको बहुत एक्सपीरियंस नहीं है, शायद 3 महीने में आपने कुछ झलक देखी होगी, अगर आज आप नहीं माने तो आपको और दिखाया जाएगा। They actually, in this ideological war, they want to make an example out of us. They want to make an example out of us so that no student in the future dares to have a political opinion, no student in the future dares to express a political opinion contrary to the state's opinion. They want to make an example out of us. We want to tell this VC, we will make an example out of you. We will show you your place. Agar aap abhi bhi apne aap ko bachana chahte hain, to ek chota sa advice hai. Shayad aapka sarkar se bahut acche connection hai, unse ek request kijiye कि मुझे यहां से ट्रांसफर करके कहीं अंडमान निकोबार कहीं और बहुत दूर भेज दी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, तो उसी आप उसी पॉसिबिलिटी में आप बच पाएंगे, अदरवाइज आपको बचना यहां पॉसिबल नहीं है। जब ये बात इनडिसिप्लिन की कर रहे हैं तो ये हम जानते हैं कि दिस डिसिप्लिन स्टूडेंट बॉडी दैट दे वांट, जेएनयू हैज नेवर बीन दैट डिसिप्लिन। वी विल नॉट बी डिसिप्लिन टू द फोर्सेस ऑफ मार्केट, वी विल नॉट बी डिसिप्लिन टू द फोर्सेस ऑफ ब्राह्मणिज्म, वी विल नॉट बी डिसिप्लिन टू द फोर्सेस ऑफ पेट्रियार्की, एंड दिस इनडिसिप्लिन इज समथिंग दैट वी आर प्राउड ऑफ एंड वी विल फाइट यू बैक। बस मैं यही बात से अपनी बात खत्म करूंगा कि आने वाले दिनों में आज बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिस तरीके से वाइस चांसलर भागा है यहां से, वो एक तो अपील मैं यहां से देना चाहूंगा लोगों को, अगर किसी को दिखे वाइस चांसलर कहां है, हमारा वाइस चांसलर खो गया है, प्लीज आके यहां के स्टूडेंट्स और टीचर्स को बताते हैं, अगर वो मिल जाए हम उनसे बात करना चाहते हैं। शुक्रिया अंकल, आप जिंदाबाद।